Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I'm going to talk about Class 9 Biology Unit Number 3 Biodiversity Lecture Number 24. इससे पहले मैंने 23 lecture upload किया. अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखे फिर इस lecture की तरफ आते हैं. तो आज का जो lecture है वो है importance of binomial nomenclature. ये topic मैंने इससे पहले video में discuss किया है, but इस topic के साथ book में दो table given है. तो मैंने decide किया है कि मैं ये table भी आपके साथ जो है ना वो explain करूँ. और इस टेबल का फायदा ये होगा कि आपको साइंटिफिक नेम का प्रोनाउंसिएशन जो है ना अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, हमारे पास जो है ना क्या है, हमारे पास है बायोलॉजिकल नेम ऑफ सम एनिमल. हमारे पास कुछ एनिमल के बायोलॉजिकल नेम्स क्या है. तो सबसे पहले हम लोकल नेम, ये हमारे पास क्या है, लोकल नेम है, ये इंग्लिश नेम है और ये जूलॉजिकल नेम है. सबसे पहले हमारे पास है मक्खी. मक्खी का इंग्लिश नेम क्या है, वो है हाउस फ्लाई. दूसरा जूलॉजिकल नाम क्या है, तो ये हमारे पास है मोस्का डोमेस्टिका. नेक्स्ट हमारे पास है जराफा और इंग्लिश नाम इसका है जराफ. और इसका हमारे पास जूलॉजिकल नाम है जराफा कैमिलोफार्डलस. नेक्स्ट हमारे पास है कारपुश और वी कैन से द पोर्कपाइन, दैट इज कॉल्ड पोर्कपाइन. नेक्स्ट वी हैव हेस्टिक्स, हेस्टिक्स लिक्यूरा, हेस्टिक्स लिक्यूरा इसको कहते हैं. बिल्ली कैट फिलस फिलस और डोमेस्टिकस. नेक्स्ट हमारे पास है तितली बटरफ्लाई एंड वी हैव पेरियस रेपाई. ये हमारे पास क्या है, पेरियस रेपाई है, इसको कहते हैं पेरियस रेपाई. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किचवा अर्थवर्म और इसको कहते हैं पीरी पीरीटीमा और इसको कहते हैं पोस्टमा. इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं.